I am Smriti Sinha here, and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study is.

Alkali, and of Group 2, ये पहले वाले कवर कर दिए हैं यदि आपने ये टॉपिक मिस कर दिया है तो ऊपर दिए हुए आज जो हम देखेंगे इस वीडियो में वो है सम इम्पोर्टेंट कम्पाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इसमें से हम पांच इम्पोर्टेंट कम्पाउंड स्टडी करने वाले हैं तो आइये शुरू करते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक से उसमें से जो सबसे पहला कंपाउंड है जो हम स्टडी करेंगे वो है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं इसका फॉर्मूला है एन ए ये डेका हाइड्रेट है डेका मींस टेन हाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट मीन्स वाटर तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सॉलिड है तो ये वॉशिंग सोडा की तरह यूज होता है तो ये सोडियम कार्बोनेट कमर्शियली सॉल्ववे प्रोसेस से बनाया जाता है ये प्रोसेस दो स्टेज में किया जाता है पहले स्टेज में CO2 गैस पास किया जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl से जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है NH3 से ठीक है तो आपके पास एक बीकर में क्या है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का और ये सोल्यूशन को सैचुरेट किया गया है NH3 से अब इसमें पास किया जाएगा CO2 गैस जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल सेपरेट होंगे ठीक है तो ये पहला स्टेप है तो ये रिएक्शन इस तरह से होता है आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड है NH3 से ऑफ कोर्स तो सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें CO2 गैस पास किया गया है तो CO2 गैस इज सैचुरेटेड NH3 के कांटेक्ट में आते हुए बाय अमोनियम कार्बोनेट बनाता है अब यह बाय अमोनियम कार्बोनेट फर्दर आपके सीओ टू के साथ रिएक्ट होगा और देगा अमोनियम कार्बोनेट यह अमोनियम कार्बोनेट आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनएसएल में ही बना है ठीक है क्योंकि बीकर में ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनएसएल था अब उसके साथ रिएक्ट करके वो देगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप है जहां आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूबिलिटी बहुत लो होता है इसलिए इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है प्रेसिपिटेट होना आपको पता होगा कि कोई भी रिएक्शन हो यदि कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है एज प्रोडक्ट और सोल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है तो नीचे जाके सेटल हो जाएगा जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली डबल डिकम्पोजिशन से बनता है पहला डिकम्पोजिशन होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट का और दूसरा सोडियम क्लोराइड का ये दोनों के जो है है से बनता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अब स्टेप टू जो क्रिस्टल सोडियम बाइकार्बोनेट के जो हमें मिले हैं फर्स्ट स्टेप से यदि आप उसे हीट करो तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट ठीक है तो ये है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो फर्स्ट स्टेप में आज प्रेसिपिटेट मिले थे उसे मैं हीट कर रही हूं तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है विद वाटर एंड CO2 बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सोडियम कार्बोनेट यदि आपको इस सॉल्यूशन में से अमोनिया को रिकवर करना है स्पेशली फर्स्ट स्टेप से ये जो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे बना है ना NH4Cl इससे यदि आपको अमोनिया को रिकवर करना है तो आपको आपके NH4

तो मुझे मिल गया मेरा अमोनिया बैक कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तो इस तरह से सोडियम बाई में प्रोसेस से लैब में बना सकती अब सोडियम कार्बोनेट के प्रॉपर्टीज क्या है सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है क्योंकि वो, course, के लिए यूज किया जाता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट वाटर में हाईली सॉल्युबल है यह डेकाहाइड्रेट है डेकाहाइड्रेट मींस 10 वाटर मॉलिक्यूल यह डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट यदि आप उसे हीट करो तो वो अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और बनाता है मोनोहाइड्रेट तो मैंने सोडियम जो कार्बोनेट है वो डेकाहाइड्रेट को अब हीट किया तो उसने अपने नाइन वॉटर मॉलिक्यूल लूज किए और बनाया मोनोहाइड्रेट ठीक है? है, अब इस को जो बना यदि इसे मैं 373 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करूं तो फर्दर अपना एक वॉटर मॉलिक्यूल जो बचा था उसके साथ लूज कर देगा और बन जाएगा व्हाइट पाउडर जिसे हम सोडा एश कहेंगे ठीक है एक व्हाइट पाउडर बन जाता है एकदम जैसे जल जलने के बाद राख कैसे बचती है वैसा ये एक राख जैसा होता है पर व्हाइट कलर का तो आपको याद रखना है कि यदि आप सोडियम कार्बोनेट जो डेकाहाइड्रेट है उसे आप हीट करो तो पहले मोनोहाइड्रेट मिलता है और मोनोहाइड्रेट को फर्दर हीट करो तो आपको सोडा एश मिलता है यदि एक्वा सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का देखा जाए तो अल्कलाइन होता है मतलब बेसिक नेचर होता है क्यों क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसॉल्व करो तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है जो एक्चुअली बेसिक है नेचर में और एनओएच ये दोनों भी हाईली बेसिक है इसलिए आपका सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाता है यूजेस की बात करें तो अल्कलाइन प्रॉपर्टी जो है सोडियम कार्बोनेट का मतलब वो वाटर में जाने के बाद बेसिक बन जाता है उसका ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इमल्सिंग इफेक्ट की तरह काम करता है मतलब वो गंदगी को निकालने का काम करता है और इसलिए ये क्लीनिंग मटेरियल में यूज होता है तो लॉन्ड्री में जब आप ड्राई क्लीनिंग और ये सब के लिए कपड़े देते हो तो वहां एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट का ही एक्वा सोल्यूशन यूज किया जाता है जो एक्चुअली ग्रीस और डर्ट निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल है ये सोडियम कार्बोनेट आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट भी बनाता है इसलिए ये वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज किया जाता है ये वो कैसे कर पाता है क्योंकि आपके पानी में यदि इन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो आपका वाटर हार्ड वाटर कहलाता है बट कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है इस कैल्शियम मतलब ये सोडियम कार्बोनेट नॉट कैल्शियम, सोडियम कार्बोनेट क्या करता है निकाल देता है, है जिससे अब आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाता है तो देखिए आपका ये कैल्शियम का सॉल्ट प्रेजेंट था वाटर में जो आपके वाटर को हार्ड कर रहा था उसके साथ आपका सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ फिर कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया और उससे आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट आपके सोप और कॉस्टिक सोडा बनाने के भी काम आता है ये एक लैबोरेटरी रिएजेंट भी है अब सेकंड जो एस ब्लॉक का कंपाउंड इंपॉर्टेंट वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा या एनओएच कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि बात करें तो लैब में कैसे बनता है वो बनता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन का यदि करो तो आपको सोडियम तो क्लोराइड तो का ही कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को कहोगे ब्राइन सोल्यूशन यदि इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए कैसपनर केलर सेल में तो आपको मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेसिकली क्या होता है इधर के के लिए <coughs> इस के में दो इलेक्ट्रोड होते हैं एक होता है आपका कैथोड ये कैथोड एक्चुअली होता है मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है आपका एनोड और एनोड होता है कार्बन इलेक्ट्रोड अब जब इसमें आप ब्राइन सोल्यूशन डालो मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें बहुत सारा एनए हो ये सोलूशन को आप डालोगे और इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करोगे तो उसके बाद जो आपका सोडियम है इसमें से वो चला जाएगा कैथोड के पास दैट मर्क्यूरी के पास और सीएल जाएगा एनए के पास तो एन प्लस जा रहा है कैथोड के पास सीएल माइनस जा रहा है एनोड के पास और इधर जो एन और एच साथ में आके बनेंगे सोडियम अमलगम जिसे एन का कॉम्प्लेक्स कहेंगे और यहाँ पे कार्बन पे कल, कलेक्ट हो जाएगा आपका क्लोरीन तो रिएक्शन ऐसे होता है कैथोड पे आ जाता है एन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस मर्क्यूरी बन जाता है सोडियम अमलगम एनोड पे Cl- आता है जो हाफ सी एल टू प्लस इलेक्ट्रॉन बनाता है अब सोडियम अमलगम जो आपको मिला है इधर इलेक्ट्रोलिस के बाद ये सोडियम अमलगम को यदि आप फर्दर ट्रीट करो वॉटर के साथ तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू गैस मिलेगा अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्चुअली वाइट सॉलिड है डीलिक्वेंड सॉलिड मतलब आपको पियर्स का साबुन पता है जिससे आर पार दिखता है करेक्ट उस तरह का सॉलिड होता है और इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 591 केल्विन। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में हाईली सोल्यूबल है और वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो स्ट्रॉन्गली बेसिक सोलूशन बनाता है मतलब स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एटमोसफियर से सीओ टू को एब्सॉर्व करता है और बनाता है सोडियम कार्बोनेट यूजेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड एल्यूमिनियम ओर एल्यूमिनियम ओर को कहते हैं बॉक्साइड उसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है आपका एनएच ये इवन यूज किया जाता है सोप प्रिपरेशन में पेपर प्रिपरेशन में आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में और बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी ये काम आता है ये कॉटन के फैब्रिक्स को जो है वो प्रॉपर टेक्सचर देने के लिए भी यूज होता है ये इवन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट भी है जो थर्ड आपका कंपाउंड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम CaCO3 के नाम से जानते हैं अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करो तो बहुत सारे बबल्स के रूप में पास होगा और आपको मिलेगा वाटर इन सोल्यूबल सॉलिड दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट तो बेसिकली आपको एक टेस्ट में क्या लेना है सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें CO2 गैस को बबल करना है ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 आपस में रिएक्ट होंगे और आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जब ये सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ठीक है ये हो गया आपका ये सेकेंड वे क्या है ये फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का। मेथड, जब कैल्शियम क्लोराइड यदि ट्रीट किया जाए प्रॉपर्टीज तो की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली बहुत ही सॉफ्ट लाइट और व्हाइट पाउडर होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको नेचर में किस रूप में मिलता है चौक के रूप में जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक है उसके रूप में लाइम के रूप में लाइम भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है और मार्बल जो मार्बल आपको पता है जो आपको फ्लोरिंग और इस सब के लिए काम आता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो ये नेचर में इस तीन फॉर्म में मिलता है तो अब आपको समझ गया होगा कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है सॉफ्ट है लाइट है व्हाइट पाउडर है प्रैक्टिकली वो वाटर में इनसॉल्यूबल है जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को 1200 केल्विन कैल्विन पे हीट करो तो डिकम्पोज होकर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड सीओ जब कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करो तो आपको कैल्शियम सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने डाइल्यूट एस के साथ पहले ट्रीट किया तो मुझे कैल्शियम क्लोराइड और सीओ गैस मिला कैल्शियम कार्बोनेट को यदि मैंने डायलूट एस टू एसओ फोर के साथ ट्रीट किया तो मुझे कैल्शियम सल्फेट और सीओ टू गैस मिला यूजेस की बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की तो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल बनाने के बहुत काम आता है एक्चुअली मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है जो बिल्डिंग मटेरियल में इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक क्यूक्लाइम के भी काम आता है और ये क्विक क्यूक्लाइन सीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर है तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट हाई क्वालिटी पेपर बनाने के भी काम आता है कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट का चुनिंग गम का डाइट्री सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम का एंड फिलर इन कॉस्मेटिक्स जो आपका फोर्थ है, वो है वो हाइड्रोजन टू टू। ओ अब इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे यदि आप हाइड्रेटेड बेरियम पर ऑक्साइड लो जैसे बी ए ओ टू टू, ये हुआ हाइड्रेटेड बेरियम पर आप आइस में दो टेम्परेचर में डायल्यूट एसटूएसओ फोर के साथ ट्रीट करो तो आपको बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है, है यदि आप सोडियम पर आइस वाले सोलूशन ऑफ डायल्यूट एसटूएसओ फोर के साथ ही ट्रीट करो तो आपको मिल जाता है परोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्योर H2O2 टू ओ टू होता है वो एक्चुअली पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है एच टू ओ टू का बॉइलिंग मतलब डिजॉल्व होता है वाटर में और हाइड्रेट फॉर्म करता है एच टू ओ टू डॉट एच टू ओ टू ओ टू का स्ट्रेंथ जो है वो वॉल्यूम यूनिट्स में एक्सप्लेन किया जाता है तो कमर्शियली मार्केट में जो आपको आप जाओगे मार्केट में कोई भी मेडिकल शॉप में आपको एच का सोल्यूशन मिलेगा जो एक्चुअली थर्टी परसेंट सोल्यूशन ऑफ एच होता है इन हंड्रेड वॉल्यूम इसका मतलब यह है वन एम एल ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ एच टू जो है वो देगा आपको हंड्रेड एम ऑक्सीजन एट एच मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे यदि आप 1 ml 30% H2O2 सॉल्यूशन को डीकंपोज करो तो आपको 100 ml ऑक्सीजन मिलेगा H2O2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी है यदि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो आप देख सकते हो 2 Fe2 H2 2H+ H2O2 यहाँ पे आपका H2O2 ऑक्सीडाइज करने वाला है इन एसिडिक मीडियम, 2H+ मतलब एसिडिक मीडियम है, तो आपका अभी H2O2, Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा Fe3+ में। तो यहाँ पे अब आपका जो Fe है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ गया है। यदि H2O2 का रेडिउसिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम की बात करें एम एन ओ फोर माइनस यदि आप एसिडिक सोल्यूशन में एच टू ओ टू के साथ ट्रीट करें तो बनता है एम एन टू प्लस तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट था एम एन का सेवन प्लस अब हो गया है टू प्लस तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है तो यहाँ रिडक्शन हो गया है तो एच टू एट ओ टू रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अब यूजेस की बात करें तो H2O2 में बहुत सारे जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं इसलिए H2O2 mouthwash में में किया 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 जाता 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 है, 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 है एक एक भी 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 मटेरियल के लिए क्योंकि उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है H2O2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के वजह से एक क्लोरल भी है मतलब यदि आपके कपड़ों पे क्लोरीन का जो धब्बा लग जाए या ब्लीच हो जाए क्लोरीन से यदि आपको एक्सेस क्लोरीन को निकालना है तो आप H2O2 यूज कर सकते हो आजकल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन इन सीवेज वाटर में करने के लिए मतलब सीवेज वाटर में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन वापस लाने के लिए जिससे उसमें बैक्टीरिया और वायरस से वाटर को क्लीन कर सके और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी एच का यूज किया जा रहा है तो अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके पास कैलकुलेट परसेंट ऑफ एच टू ओ टू वॉल्यूम ठीक है तो 45.4 वॉल्यूम एस टू ओ टू मतलब एक लीटर सोलूशन आपको देगा 45.4 लीटर ऑफ ओ क्योंकि हमने देखा था क्योंकि कोई भी H2O का सॉल्यूशन O2 के डीकंपोजिशन के बेसिस पे होता है तो 45.4 वॉल्यूम ऑफ H2O मतलब उसका एक लीटर सॉल्यूशन डीकंपोज होके क्या देगा 45.4 लीटर O2 तो जनरली 2H2O जो है डीकंपोज होता है 2H2O O2 में इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कीजिए तो 2 into 34 और इधर जो डीकंपोज होगा STP पे तो STP पे ये जो O2 गैस बनेगा वो बनेगा 22.7 लीटर करेक्ट अब 22.7 लीटर ऑफ O2 बनता है 68 ग्राम ऑफ H2O2 से मतलब 68 ग्राम ऑफ H2O2 का यदि डीकंपोज करो तो आपको 22.7 लीटर O2 मिल रहा है तो अब आपको चाहिए 45.4 लीटर O2 तो 45.4 लीटर O2 बनाने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 45.4 इनटू 68 डिवाइड बाय 22.7 तो अब इसको कैलकुलेट करो तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ़ H2O2 है 136 ग्राम पर लीटर बट उन्होंने पूछा है आपको बाय मास तो आपको पर लीटर है लीटर में thousand ग्राम ऑफ वाटर है इसलिए 136 ग्राम H2O2 डिवाइड बाय 1000 ग्राम इज गिवन बाय 13.6 ग्राम 13.6 परसेंट बाय मास अब आपका फिफ्थ कंपाउंड है जो S ब्लॉक एलिमेंट में से इंपॉर्टेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसे एल भी कहते हैं ये प्रिपेयर किया जाता है लिथियम हाइड्राइड से यदि आप लिथियम हाइड्राइड को ट्रीट करो एल्युमिनियम क्लोराइड से तो लिथियम हाइड्राइड ट्रीट किया जा रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ वो दे रहा है आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस 3 LiCl अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली एक कलरलेस सॉलिड है ठीक है इसको कोई कलर नहीं होता है और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ और एटमोस्फियर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ मतलब एल आई एल एच फोर को यदि उसके पैक डब्बे में से थोड़ा सा भी निकाल लो और वो कॉन्टेक्ट में आ जाए एयर के तो वो आग पकड़ लेता है या फिर पानी के साथ भी भीटली रिएक्ट करने लगता है अब उसकी यूजेस की बात करें तो एल ए एच जैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो हाइड्राइड का सोर्स है मतलब हाइड्रोजन का सोर्स है

इसलिए पांचों कंपाउंड्स भी एस ब्लॉक के बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है कमेंट है, है सजेशन है, आप मुझे आस्या, पे बता सकते हो कोई भी सजेशन दे सकते हो या फिर नीचे दिए कॉमेंट बॉक्स में जाने से पहले वेन लाइफ चेंजेस टू बी हार्डर Change yourself to be stronger. स्ट्रॉगर इन दैट फॉर टूडे थैंक यू स्टे टून